मुक्ति दाने न करते, भागवत मुक्ति का दान करती है गर्जना के साथ, घोषणा के साथ। बोले भागवत भगवान की। आप सब भागवत भगवान की भागवत सुनकर भगवान की भक्ति करके और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करें। आप सबने बहुत ध्यान से और अपना बड़ा अमूल्य समय देके इस सत्संग को सुना है, बड़ी विधि और ढंग से सुना है। हम आपसे बहुत प्रसन्न है। देखो गृहस्थों के 6 कर्म होते हैं। ये पहला स्नान है, दूसरा कुछ ना कुछ जप किया करो, इस संध्या किया करो, और 5 देवताओं का रोज पूजन किया करो। जो टीवी पर नए नए देवता रोज बनते हैं वो नहीं, उनको पूजने से कल्याण नहीं है। जो शास्त्रों पुराणों तुम्हारे वंश परंपरा के देवता है, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, शंकर जी, देवी और गणेश, ये 5 देव हैं। इन्हीं 5 देवताओं में एक अपना इष्ट देव बनाओ, उनके मंत्र का, उनके नाम का हमेशा जाप किया करो, और स्नान, संध्या, जप, देवता का पूजन, और जो भोजन बने वो भोग लगे, और कोई अतिथि आवे तो उसे भोजन दे। स्त्रियों के लिए तुलसी का पूजन करना, ये कल्प वृक्ष है, किसी टोना टोटका में कम पड़ के तुलसी का पूजन करे, दीप दान करे, उनसे रोज अपनी बात कहे। तुलसी मैया रोज रात में रास लिए जाते हैं, उनसे अपनी बात कहे तो वो पूरा करते हैं। तो ये 6 कर्म रोज करने वाले को कभी दुख नहीं आता, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। आप सबने भागवत सुनी इसलिए आपको ये 6 बातें करने को बताई। आप सब सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशान्तिर्भवतु। बोली भागवत भगवान की जय हो। सभी प्रेमी भक्ति प्रेम से भरत जी की विजय। एक श्लोक सभी लोग मिलकर भागवत का आखिरी श्लोक बोले तब भागवत पूरी हो। नाम संकीर्तनम यस्य, और उसके साथ ही मास्टर कुलदीप राय जी थोड़ा सा समय हमें देने के लिए प्रस्तुत थे। जहाँ भी हो कृपया मंच पर पधार करके वो शब्द यहाँ आकर के कहें, और उसके साथ ही राज पूजन